यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। केरल से आप सबों को वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम अक्सर पब्लिक प्लेस में या रोड सब में जाते हैं, कई प्रकार के साइन बोर्ड सब देखने पाते हैं। कुछ इशारा देता है कि आगे क्या है या इधर क्या है। और कई जगह पर हम ऐसा भी साइन बोर्ड देखने पाते हैं, खतरा है, डेंजर है, जाना माना है, प्रोहिबिटेड एरिया है इत्यादि। और उन चीज़ों को पालन करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं, उसका परिणाम भयानक हो सकता है। यदि खतरा है, हमें दूर रहना चाहिए। वैसे भजन संहिता पहला जो है, हमें दुष्टता और धार्मिकता दोनों की बात करता है। हम क्या करें क्या ना करें, धार्मिकता का जीवन कैसा होगा, दुष्टता का जीवन कैसा होगा, और एक व्यक्ति को धार्मिकता के मार्ग में क्या मिलने वाला है, उनके जीवन में क्या आशीष मिलने वाला, उस पर चर्चा करता है। और दुष्टता का क्या परिणाम होता है, दोनों पर चर्चा कर। हालांकि भजन संहिता 150 भजन है, उनसे पहला पर हम चर्चा करेंगे जो 1 से 6 पद तक है। और ये दाऊद के द्वारा लिखा गया माना जाता है। दाऊद एक भजन करता, ना केवल गाने में बजाने में माहिर व्यक्ति था, इसलिए हम कह सकते हैं वह मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था। जो भी हो, परंतु गाना के माध्यम से चाहे भजन के माध्यम से आज लोगों को ये डायरेक्शन देता है किस मार्ग में जाना है, किस मार्ग में नहीं जाना है। एक मार्ग जो धार्मिकता का, उसमें जाना है, बुराई या दुष्टता का मार्ग को छोड़ना है, इसी बात पर चर्चा करता है। इसी के लिए मैंने भजन संहिता 1 अध्याय का जो शीर्षक रख दिया है, परमेश्वर के साथ बने रहो। परमेश्वर के साथ बने रहना या बने रहो, और ये क्यों है, हम 2 पॉइंट पर चर्चा के क्रम में देखने पाते हैं। देखिए, परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यदि तुम में बने रहो और मेरी बातें तुम में बन रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो है ना 15 अध्याय हम देखने पाते हैं। यानी कि परमेश्वर में बने रहना हर एक को जरूरी है। यदि बने नहीं है, यदि पेड़ में डाली नहीं बना हुआ रहेगा, फल नहीं पालेगा, वो मर जाएगा। वैसा ही हमारा जीवन। इसके अंदर पहला जो पॉइंट है, धार्मिकता का जीवन बिता कर, यानी परमेश्वर में कैसे बने रहे, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करके। यहाँ पर 2-3 बातों को चर्चा करता है। धार्मिकता का जीवन क्या है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वचन में जो कहता है, धर्मी व्यक्ति क्या करता है, दुष्ट लोग जो युक्ति निकालते हैं, डिसीजन लेते हैं गलत बातों को करने के लिए, वो लोग जो एक दूसरे के साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं या तो निर्णय लेते हैं, करने का ठानते हैं, उनके बातों के अनुसार चलता नहीं है, उनको मानता नहीं है, क्योंकि गलत काम करेगा तो परिणाम तो गलत ही होगा। दूसरा क्या कहता है, दुष्टों के संगति में नहीं रहता है। देखिए, हमेशा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बाइबल हमें साफ साफ बताती है। इसलिए बुरी संगति से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है, आप यदि बुरे व्यक्ति के साथ में रहेंगे दिन रात, उसका असर धीरे धीरे आप पर होने लगता है। आप ऐसा सीखते नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। इसलिए जितना ज़्यादा अच्छे लोगों के संगति में, अच्छे परिवेश में, अच्छा माहौल में रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहता है बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और कई लोगों का जीवन इस कारण से भी, पीने खाने लोगों के साथ संगति में रहेगा तो उसका असर होने लगेगा, चोर डकैतों के साथ में रहेगा तो चोरी हारी मर्डर करेगा तो उसका असर होगा होगा, साथ ही पुलिस भी उसको पकड़े, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहता है यहाँ पर बुरी संगति से बचे रहना है। और इसी बात को कहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ में कनेक्शन या संगति या तो बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला, दूसरा के अलावा तीसरा पद तक में ये बात कहता है कि परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करना है, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ में हमारा जो ये है संबंध बने रहना चाहिए। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते ही हैं, इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है। और ऐसा कनेक्शन नहीं है तो हमारे जीवन में आत्मिक फल नहीं पलेगा। इसलिए यहाँ पर पेड़ का उदाहरण दिया है, जो पेड़ नदी के किनारे होता है, भरपूर से पानी पाता है और वह मुरझाता नहीं है, इसके पत्ते हरे भरे होते हैं, समय पर फल फलता है, फूल खिलता है। वैसा ही जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में बना रहे, परमेश्वर का ब्लैसिंग जो है, आशीष जो उसके जीवन में बना रहेगा, वो व्यक्ति का जीवन ही दिखने में अलग होगा। जैसे हरा पत्ता और मुरझाया हुआ पत्ता को हम देखकर समझ लेते हैं, वैसा ही है उस व्यक्ति का।
और हमारे जीवन में फल फलने लगता है। गलती 5:10-22-23 पद में देखिएगा, आत्मा का फल के बारे में चर्चा करता है, वो फल आपके मेरे व्यवहारिक जीवन में दिखाई देने लगेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ संगति रखने, प्रार्थना के द्वारा से, बाइबल मनन के माध्यम से, चाहे आराधना के माध्यम से, हमेशा करते रहना है। इसलिए यूहन्ना 15 है उसका आप देखिएगा 5 में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और 7 में क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे हो जाएगा। इसलिए हमें उसके साथ बने रहना है। जब हम संगति में रहते हैं, परमेश्वर हमारा सुरक्षा करता है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे छोटे बच्चे देखिए, माता पिता के साथ रहते हैं, वे लोग बोले ना बोले माता पिता उनको खिलाते ही हैं। वे लोग बोले ना बोले छोटे बच्चे माता पिता को जरूरी आवश्यकता देखकर वे लोग खरीदते हैं, कपड़ा चाहे पहनने का चीज़, चाहे बच्चों के लिए जो कुछ भी जरूरी है, चाहे बीमार है तो उसके लिए प्रतिकार के लिए, ये लोग करते ही हैं। वैसा ही है हमारा स्वर्गीय पिता, उसके संगति में जब रहते हैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही चिंता करता है। अब देखिएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति में जैसे रहता है, माता पिता जैसे बच्चों का केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे ही परमेश्वर करता है। आपने कंगारू के देखे हैं टीवी में, जो फोटो में कंगारुओं का एक थैली होता है जो माँ के पेट में होता है, और वहाँ पर क्या करता है, अपने बच्चे को ठूस के रखती है, और जब भी फ्री अवसर होता है उसे निकाल देता है और इधर उधर घूमने फिरने लगता है। वो थैला इतना या पाउच जो है इतना मजबूत होता है, वो फटता नहीं है, और जब उसे निकालना होता है उसको ढीला कर देती है ताकि वो निकल सके आसानी से। और जब वो अंदर में रहता है, चाहे रहती है बच्चा, उस समय वो टाइट होकर रहता है ताकि वो गिर ना जाए, सुरक्षित रहे। साथ ही साथ क्या होता है, इसके माध्यम से वो छुपा हुआ रहे ताकि दूसरे जानवर लोग उसको देखकर ना आक्रमण कर ले। और उसमें ऐसा सिस्टम है कि अंदर में ही बच्चा रहेगा तो भी उनको माँ का दूध पीने के लिए एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से भूखा नहीं रह सकता, ना भी निकले तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही अंदर में रहेगा तो गर्मी उसको महसूस होगा, ठंड नहीं होगा। ये कई सारे चीज है, ना केवल उनका सुरक्षा प्रदान करता है, वो भूख भी महसूस ना करेगा अंदर में रहने के बाद, सारे चीज़ उसके लिए व्यवस्था कर देता है। ये प्रकृति के द्वारा से ईश्वर ने ऐसा व्यवस्था किया। वैसा ही हम जब उसके अपने स्वर्गीय ईश्वर के संगति में रहेंगे, हमें सुरक्षा देता, अगुवाई करता है, हमें मार्गदर्शन करता है। दूसरी विशेष बात जो कहना चाहता है, हम आगे के पाद में 4-5 में देखने पाते हैं दुष्ट का मार्ग क्या होता है, दुष्ट का मार्ग को त्याग देना। पहला में हमने देखा धार्मिकता का जीवन बिताकर देखा है, दूसरा दुष्टों का मार्ग त्याग देकर, यानी कि परमेश्वर के साथ बने रहना तो दुष्टता को त्यागना है। परमेश्वर शैतान दोनों को एक साथ में पकड़े हुए नहीं रह सकते, एक साथ दोनों के साथ नहीं रह सकते, किसी एक के साथ रहना। इसलिए परमेश्वर के संगति में रहना चाहते हैं तो दुष्टता का मार्ग को छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है, शैतान को छोड़ना है, गलत चीज़ों को छोड़ना है ताकि सही तरफ में आ सके। संसार में 2 मार्ग जो है यहाँ बताया गया, एक को चुनना होता है। हम किसको चुन रहे हैं उसका परिणाम उसी अनुसार होगा। और हम यहाँ पर भूसी का उदाहरण देखने पाते हैं, कहता है भूसी का क्या होता है, जब धान सब ये लोग पक जाता है, खेत से अपने खलिहान में लाते हैं, वहाँ पर खलिहान में क्या करते हैं, अच्छे अच्छे दानों को एक तरफ किया जाता है, भूसी को एक तरफ किया जाता है और भूसी को जला दिया जाता है, वो नष्ट हो जाता है। वैसा ही जो व्यक्ति दुष्टता के मार्ग में चलता है, उसका नष्ट, जैसे वो भूसी आग में भस्म हो जाता है, ख़त्म, उसका भी वही हाल होने वाला है। इसलिए वो ईश्वर से दूर है, माने पानी के अभाव में पेड़ क्या होता है आप जानते हैं, मुरझाने लगता है और सूखने लगता है और मर भी जाता है। पेड़ पौधा सबका यही चीज है, मुरझाने लगेगा, सूखने लगेगा, मर जाएगा। ईश्वर के आशीष, ईश्वर के ब्लेसिंग के बिना मनुष्य का जीवन ऐसा ही होने लगता है, मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, अंत में विनाश आने लगता है। और ऐसा उदाहरण हम बाइबल में बहुत सारे पाते हैं। स्वदूतों के बारे में देखिए, लूसीफर को जब ईश्वर ने बनाया, बहुत सुंदर बनाया, टैलेंटेड बनाया, लेकिन ईश्वर के विपरीत काम करने लगा, ईश्वर की इच्छा के विपरीत, और उनको देखिए
स्वर से गिरा दिया जाता है। आदम को देखिए, जब तक ईश्वर का आज्ञाकारी बने रहा उसका जीवन में आशीष आशीष रहा, जब ईश्वर के विरोध में काम किया तब बारिश निकाल दिया जाता है। उसको खाने पीने के लिए हर दिन सोचना पड़ रहा। उसके बाद में हम इसराइलियों का जीवन से उदाहरण ले सकते हैं। जब जब ये लोग गलत का मार्ग में चले गए, ये लोग बंधुआई में चले गए, उन लोगों में से कई लोग मर गए, कई लोगों का जीवन तबाह हो गया, जो भी रहा, लेकिन दुष्टता के साथ में जब रहा उनका पता नहीं हुआ है। इसलिए आपको मुझे यही करना है, हम यदि सुरक्षित रहना चाहते हैं, देखिए फसल में से जो अच्छे दाना होता है उसे फेंका नहीं जाता है, ना ही जलाया जाता है, आप जानते हैं उसको घर का भंडार घर में रखा जाता है सुरक्षित, सेफली, कोई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी ना खाएं, ये इसका भी ध्यान दिया जाता है। वैसे ही है, हम यदि ईश्वर के संगति सहभागिता में रहेंगे, हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते हैं, ईश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराता है। हमें सिर्फ उसमें विश्वास करना, भरोसा करना, संगति में बने रहना है, ताकि हम जैसे वो बीज जो है अच्छा भंडार घर में होता है, हम वो स्वर्गीय भंडार जो इस स्वर्ग में परमेश्वर हर एक विश्वासी तैयार किया है उसके उस जगह पर हम प्राप्त कर सकें, और ये हम अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते, ईश्वर है। इसलिए यूहन्ना 14:6 में कहता है, मर सत्ता जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं। हमें से विश्वास करना है, उसमें भरोसा करना है, उसमें बने रहना है। यूहन्ना 5:24 इसलिए कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उस पर दंड किया गया नहीं होते, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुका है, कहता है। इसलिए आपको मुझे वहाँ रहना है तो गलत का साथ छोड़ना है, गलत संगति छोड़ना है, गलत काम छोड़ना है, गलत डिसीजन लेने से बचना है। क्योंकि आप देखिएगा, अभी अभी हमने चर्चा किया, जो भी गलत करते हैं उसका परिणाम तो गलत ही होता है। देखिए, आप विदेश कई लोग गए होंगे, कई लोग नहीं, कई लोग सोच रहे होंगे कभी जाएं। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होता है। जब पासपोर्ट बनाते हैं, अप्लाई करने के बाद में एक समय ऐसा आता है, पुलिस आता है घर में वेरिफिकेशन के लिए कि यह व्यक्ति कहीं अपराधी किस्म का नहीं है, इसका कोई केस तो नहीं चल रहा है। यदि अपराधी है, केस पेस चल रहा है, गड़बड़ व्यक्ति है, पुलिस उसके बारे में गलत रिपोर्ट देगा और पासपोर्ट मिलने से वंचित हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। चाहे कोई संस्था में भी है, व्यक्ति यदि गड़बड़ कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोई स्कूल कॉलेज में है, उसको तो निकाल दिया जा रहा है, स्ट्रिकेट किया जा सकता है। आप जानवरों को भी देखे होंगे, कई बार क्या होता है, जानवर अपने झुंड में रहते हैं। कोई जानवर यदि अपने ग्रुप का, समूह का नियम कानून नहीं मानता है, कई बार अपने बीच में से उस जानवर को निकाल दिया जाता है। और आप समझ सकते हैं, एक अकेला जानवर कहीं भी कुछ भी उसके साथ हो सकता है, उसका ज़्यादा दिन बचे रहने का संभावना कम हो जाता है। इसलिए आपको मुझे परमेश्वर के उस मार्ग में चलना है, जिस मार्ग के द्वारा से परमेश्वर आपके मेरे प्रति दया दृष्टि बनाए रख सके, उसके संगति में रह सके, उसके ब्लेसिंग को हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर ऐसा करना आपके मेरे साथ रखकर, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनको तेरे हाथ में रखते, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनका विश्वास कम, जिनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन जो दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए। धन्यवाद।